आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल। ऐसा है कि जो मणि महेश यात्रा है ये हमारे पूरे ज़िला चंबा की एक पहचान है और इसमें विभिन्न वर्ग के लोग जो हैं वो जितने भी श्रद्धालु आते हैं उनके लिए भोजन व्यवस्था करते हैं जिसको भंडारा कहते हैं। तो यहाँ भट्ट जी ने जो है अपने आईटीआई और नर्सिंग जो इंस्टीट्यूट है इसकी तरफ से ये भंडारा रखा है, बड़ी अच्छी बात है। वैसे भी हमारा जो कल्चर है वो कंपोजिट कल्चर है, हमारी सांझी संस्कृति है, तो उसको देखते हुए इस भंडारा का जो है आयोजन जो है बहुत बढ़िया रहेगा और सभी से निवेदन है कि इस भंडारे में जो है वो प्रसाद ग्रहण करें। मैं काफ़ी समय से परवेज जी के साथ, हम सामाजिक कार्यों में पहले से कई वर्षों से साथ में रहे हैं। इनका तो जो नेचर है वो सामाजिक है और कई वर्षों से सामाजिक कार्यों में इनका योगदान रहा भी है और अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, इस सोशल मीडिया के उसमें इनका अपडेट लगभग पूरा हिमाचल देखता है किस प्रकार से ये सामाजिक कार्यों में और ज़रूरतमंद अभावग्रस्तों की सहायता में इनका अपडेट कोई ना कोई चलता रहता है। अभी चार दिन पहले मैंने देखा कि जो बेटियां बिल्कुल ज़रूरतमंद है, अभावग्रस्त है, उनके लिए इन्होंने एक निशुल्क प्रशिक्षण की जो व्यवस्था देखी मैंने उसको कई बार अपने ग्रुपों में फॉरवर्ड भी किया ताकि ऐसे सामाजिक प्रकल्पों को और स्तरोन्नत किया जाए और इस मानसिकता को भी स्तरोन्नत करने की कोशिश है ताकि इस प्रकार के सामाजिक सद्भावना और सहिष्णुता बनी रहे और असामाजिकता किसी भी प्रकार के ना पनपे। हमारी संस्था जो भट्ट एजुकेशनल सोसाइटी है ये समाज कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी संस्था सामाजिक जो कार्य हैं 2007 से जो है वो इन कार्यों को कर रही है, तो इसी कड़ी को आगे करते हुए आजकल जो है पवित्र मणि महेश की यात्रा जो है चली हुई है, लाखों श्रद्धालु जो हैं मणि महेश में शिव जी के दर्शन के लिए जाते हैं, तो इस उपलक्ष्य में हमने ये एक आपसी भाईचारा जो हमारे हिमाचल प्रदेश में है, ज़िला चंबा में है, तो उस मिसाल को कायम करते हुए हमने श्रद्धालुओं के लिए जो है वो भंडारा जो है वो लगाया हुआ है। और भी इस तरह के कार्य जो समाज के उत्थान के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए हम करते रहते हैं। अभी भी हमारी संस्था ने जो है वो एक घोषणा की है कि जो गरीब परिवार की लड़कियाँ हैं उनको 20 लड़कियों को हम मुफ्त जो है वो ट्रेनिंग देंगे। आगे भी हमारे जो है कार्यक्रम जो है समाज कल्याण के लिए, सामाजिक एकता के लिए, आपसी सौहार्द के लिए हमारी संस्था जो है वो करती रहेगी। धन्यवाद।